हेलो फ्रेंड्स, आई नो यू आर गुड। वेलकम बैक टू द शो ऑफ ईटिंग फूड। मेरा नाम है शिवरंजन। तो आज हम करेंगे 24 फ्रोजन ईटिंग चैलेंज। 24 फ्रोजन फूड नहीं करने वाले, आज हम लोग करने वाले 24 आवर्स फ्रोजन फूड ईटिंग चैलेंज। तो 24 आवर्स फ्रोजन फूड ईटिंग चैलेंज में ये होता है कि हम करने वाले टोटल 24 आवर्स जो हमारा रहेगा आज का जो पूरा दिन, वो हम लोग सिर्फ करने वाले हैं फ्रोजन फूड के ऊपर। फ्रोजन फूड ही आज आप हम खा के रहने वाले हैं। मतलब क्या आपको ये चैलेंज कैसा लगेगा, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना कि कैसा लगा। और बस जो भी चैनल बनाए प्लीज जाकर फटाफट से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और एक बात मैं बता दूं, जो 24 आवर्स है उसके अंदर हमारा ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, तो ये तीनों में हम लोग खाने वाले हैं फ्रोजन फूड। और वो क्या क्या रहेगा हम आगे आगे आपको बताते जाएंगे, तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। अभी हम बढ़ेंगे अपने ब्रेकफास्ट राउंड में। ब्रेकफास्ट में क्या है वो हम आपको बताएंगे ब्रेकफास्ट राउंड में। तो चलो फटाफट से बढ़ते हैं अपने चैलेंज की ओर। जो भी हमारा चैलेंज है 24 आवर्स फ्रोजन फूड चैलेंज, तो जो भी चैनल पर नए प्लीज जाकर फटाफट से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द ऐसे ही मिलते रहे। और जो हमारा इंस्टाग्राम फेसबुक पेज है उसको भी जाकर फटाफट से फॉलो कर लीजिए, उस पर भी हमारे हर वीडियो के अपडेट्स और अलग अलग अपडेट्स आपको उस पर भी मिलते रहेंगे। तो चलो फटाफट से पढ़ते हैं अपने चैलेंज राउंड में, जो की है ब्रेकफास्ट राउंड। ब्रेकफास्ट राउंड में हम लोग कौन सा फ्रोजन फूड खाने वाले हैं। तो दोस्तों ये है मकेंस और इसका जो है ये है न्यू आया, देख सकते हैं आप यहाँ पर चिली चिली नगेट्स। तो हमारा आज का ब्रेकफास्ट रहेगा ये और है उसके साथ जूस। वो जूस कौन सा हम आपको दिखाएंगे, पहले ये रेडी कर लेते हैं। और इसका प्राइस है 205 रुपीज। इसका जो है प्राइस आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर इसके जो है न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिए हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो 3.8 ग्राम है शायद। तो यही सब इसके ऊपर जो दिए है, आज हम लोग करना है इसका ब्रेकफास्ट। और किसको किसको मकेंस पता है, किसने किसने खाया है कमेंट में जरूर कमेंट करना। अभी इसके ऊपर जैसे देखो चीज़ पूल दिखाया है इसके अंदर, ऐसा अगर वैसा नहीं निकला ना तो मेरा मन बहुत तो बनाने के बाद पता चलेगा। तो आज का जो है यही होने वाला है। हाँ। और फ्रोजन फूड, और ये फ्रोजन फूड ही इसको अभी हमने फ्रीजर से ही निकाला है। तो चल अभी तो फटाफट से इसको बनाती हूँ। और उसको बनाया भी कैसे जाता है यहाँ पर, यहाँ पर इसको नॉर्मल हम फ्राई कर लेंगे, पहले तेल डालते फिर ये मक्के से मक्के को इसके अंदर डाल देते हैं। इसका ये है यहाँ पर स्टेप है, तो आप देख सकते हो इसी तरीके से। तो चल अभी तो फटाफट से उसको मकेन बनाते हैं। हाँ, उसको मैं रेडी करते हैं। ये छोटा सा कढ़ाई। हाँ, ओके। अभी इसको रखने से पहले गैस चालू करना पड़ेगा। हाँ। तो गैस चालू नीचे से नहीं हुआ है शायद। कभी कहते एक बार में शुरू होता है कि नहीं इसलिए। ओके, चल। रिकॉर्ड। 1, 2, 3। ओह नो। हो गया। तो अभी यहाँ पर ये रख दिए। गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिया, कुकर की जगह कढ़ाई चढ़ा दिया। इससे ना जो अभी पानी दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, रुक एक मिनट पहले खा दे। हां तो ये दिख रहा है ना, उसको पहले ना इससे सूप देना है, ठीक है। हाँ। तो ना वो इसे चार 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 करेगा, चेक करना है। और फिर उसके बाद ये जो है अभी कढ़ाई सूख गया, इसको ओपन कर, तब से वो कढ़ाई सूख जाएगा। सूख भी गया वैसे ऑलरेडी। यस। हां तो इसको ओपन करने के लिए इसका शेप। और अभी इसके अंदर डालेगी, पर इसके अंदर तेल डाल, हम लोग इसके अंदर डालेंगे। बस इतना तो ऑयल बस हो गया। और अभी इसको कर लेते हैं थोड़ा सा गरम। तो फ्रेंड्स अभी तेल जो है गरम हो चुका है और हल्का गरम हो गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे ये, इसको अभी डुबकी लगा के बस बाहर निकालना है इसको ना, पहले एक डाल के देखते हैं। हाँ। ओके, नहीं भाई एक साथ डालना, कुछ नहीं होता है, पकेगा। और इसके ऊपर देखो दावा किया गया है। हाँ। चाहिए।
मैं दो चीजें साथ एक साथ पांच डाल। हाँ एक बार फर्स्ट पांच और उसमें पहला डाल दिया, दूसरा अरे चौथा और एक पांचवा हो गया। मुझे ना चटना लग रहा है, पता है अच्छा आ रहा है। तो अभी जो है अच्छी तरीके से ये सुनहरा लाल होने तक, लाइक इसमें भी जैसा दिया हुआ है गोल्डन फ्राई, इसको गोल्डन ये तो अभी तो वैसे दिख रहा है। हां वैसे देखो अभी से वैसे दिख रहा है देखो। नहीं तो भी इसको थोड़ा 1 से 2 मिनट तक पका दे, जब तक चीज बाहर आ रही है चिपक जाएगा। ये जो है इसे तो गोस्ट ब्राउन होने लगे, वैसे कितना 1-2 मिनट शायद पकाना, 1 ही मिनट लगा इसको तो ज्यादा से ज्यादा। अभी निकालना है क्या क्या रुक जा थोड़ा सा और ब्राउन। इसने कितना मिनट दिया है दिखाई क्या पीछे तूने डायरेक्ट विदाउट उसका ये देखो 3 मिनट इधर लिखा है एंड डीप फ्राई फॉर 3 मिनट। पहले 3 मिनट तक आराम से चल गया ना इसको हो गया चल मेरे घर में 3 मिनट। चीज का ये आ रहा है ना स्मेल, चीजी चीजी आ रहा है स्मेल। मुझे लगता है ये ऐसा हो जाए सकता है एक बैच दिखेगा ये। चल हो गया निकाल देने तो ज्यादा ब्राउन हो जाएगा फिर तेरे को ज्यादा ही ये होएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से जो है सबको हम फ्राई कर लेंगे। हम लोग ने प्लेट में निकाल दिया था टिश्यू पेपर भी डाल दिया था ताकि वो जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसको ऑब्जर्व कर ले। ऐसे ही सभी बना देंगे। तो अब जो है यहाँ पर ये 5 हमने तैयार कर लिया है और जो पूरा तैयार होने के बाद फिर हम इसे काट के देखेंगे। वाह और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो टेक्सचर है कैसा है। इसी टेक्सचर जैसा है चीजी टेक्सचर और यहाँ पर ये हो गया। अभी हम ये सब ये पूरा फ्राई करके आपको मिलते हैं। तो चलो पहले जो है इसको हम पूरा फ्राई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अबने हमने सब ये सब जो है इसको पूरा फ्राई कर लिया है और ये लास्ट वाला है और यहाँ पर जो है बाकी के फ्राई हो चुके हैं। तो देख सकते हो आप इसके ऊपर जैसा दिया वैसे तो अभी फिलहाल दिख रहा है, ये आप मैच कर सकते हो। ये अभी गोल्डन गोल्डन ब्राउन तो नहीं, अब हम इसे निकाल देंगे और अभी जो है ये जो बाकी के भी बचे वो अभी निकाल लेंगे। तो आज का जो है ब्रेकफास्ट वो लगभग तैयार हो चुका है और अभी जो टाइमिंग है वो हो रहा है 10:15। हम गैस को अभी बंद कर देंगे। 10:15 हो रहा है और हमारा जो 10:15 का ब्रेकफास्ट हो रहा है और इसके साथ साथ ये देखिए इतना सा वाओ हो गया। हाँ तो अभी जो है मकेंस फ्राई हो चुका है, अब मकेंस को रखते हैं पैकेट को साइड में और जो है ये देखो पकड़ दो अभी। तो ये आप लोग तो ये देखो ये है मकेंस रेडी। अब तुझे काम करना और यहाँ पर जो है हमने लिया है जूस। हाँ। यहाँ पर गुआवा का जूस लिया हुआ है तो हमारा ब्रेकफास्ट में इसके साथ रहेगा जूस। ये भी एक तरीके का फ्रोजन ही है, मतलब फ्रोजन तो है नहीं पर फ्रोजन है, वो फ्रीजर में रखा है ठंडा है कोल्ड है। तो यहाँ पर हमने जूस लिया और ये लिया। तो आज का सुबह का ब्रेकफास्ट हमारा यही रहेगा, डाल दो आराम से आराम से कैसे ये वैसे जा रहे चुप चुप गाड़ी जैसा चुप चुप गाड़ी जैसा। रुक ऐसे डालना उसको थोड़ा ऐसे। हाँ बस हुआ ना। तो अभी ये है देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये है गुआवा। हाँ। इसके अंदर रिच इन विटामिन सी, नो एडेड। तो ये है और यहाँ पर गुआवा का जूस है। तो आज एकदम मस्त में जो हमारा ब्रेकफास्ट होने वाला है। और तू एक तो चीज जो है इस पे जो लिखा है ना ये दिखा इसे, मतलब हाँ, ये मैं दिखाती हूँ। तो अभी रुक आराम से दिखा कर ऐसे सामने रुक ना ऐसे मतलब ऐसे सामने से। हाँ तो दिखेगा ना बराबर। देखो रुको रुक दूसरा कर फिर से। ओह माय गॉड मेरे को कैसे। हां अभी दूसरा कर। चलो इसने मेरा मन को उदास नहीं होने दिया। हां अभी रुक। हां आप कर गरम 1 2 3 ये देखिए तो है मतलब इसके अंदर देख सकते हो चीज चीजी टेक्सचर है इसमें मतलब। तो वैसे इतना दिया उतना नहीं है पर है। तो अभी इसको हम ट्राई करके देखते हैं, हम इसको उठा के देखते हैं। हां तो अभी पहले ऐसी खाएगी
हाँ गरम है, उसके बाद फिर मैं आपको खा के ट्राई करके बताऊंगा। ओके वाव, तो यहाँ पर गुआवा का जूस और ये मस्त है। अभी मेरे को ट्राई करना है, अभी तो चीज़ी फ्लेवर भी आ रहा है अच्छे से। अभी अभी मैं ट्राई करता हूँ, तो यहाँ पर मैं भी ट्राई करता हूँ ये देखो। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, देखो दिख रहा है? हाँ बहुत अच्छा दिख रहा है। ये तो पूरा था, ये पूरा था, ये पूरा इसमें वैसा टेक्सचर था एकदम। तो मैं खाकर ट्राई करता हूँ। मस्त है, एकदम चीजी फ्लेवर आ रहा है ना, एकदम मस्त है, मतलब जैसा बोला था वैसा है। है गुड जॉब मक्खन के साथ जूस, वाव ओह माय गॉड क्या मस्त टेस्ट एकदम। एक और ट्राई करता हूँ। यहाँ पर है मुझे तो मस्त एकदम लगा। अगर आप लोग खाने का तो मक्खन सही वाला वाला ट्राई जरूर करना, एकदम मस्त है। अगर हम लोग पूरे अभी दिन में कर रहेंगे, मतलब कितना जो भी तो करेंगे, आगे भी करना, आगे क्या क्या करने वाले वो भी हम आपको बताएंगे। उसमें से पूरा जो अच्छा लगेगा वो हम आपको ट्राई करेंगे, मतलब सभी अच्छा लगेगा, सभी अच्छा लगेगा। अभी अच्छा लगा नहीं, अभी मतलब सुपर जैसा रहेगा हम आपको बता देंगे, आप जरूर ट्राई कीजिए। और मॉर्निंग का नाश्ता है, मतलब मॉर्निंग में जो ब्रेकफास्ट है वो ये है हमारा। एक बार लास्ट बार दिखा दीजिए, हमारा क्या है ब्रेकफास्ट, इसका नाम है चिली चीजी नगेट। तो ये है ब्रेकफास्ट, इसका नाम है चिली चीजी नगेट, और आज का हमारा ये ब्रेकफास्ट ये रहेगा। तो अभी हम इसे खाते हैं और आपको मिलते हैं फटाफट से लंच टाइम में। तो अभी जो हमारा ब्रेकफास्ट 10:15 को खत्म हो गया, अभी लंच टाइम में मिलेंगे तकरीबन 2 से 2:30 बजे तक, तो हमारा लंच टाइम वो रहेगा। तो अभी हम आपको मिलते हैं फटाफट से लंच टाइम में। और ये है हमारा लास्ट में गुआवा जूस और ये। तो चलो तब तक के लिए बाय बाय। और मिलते हैं फटाफट से लंच टाइम में। अब हम आ गए हैं अपने लंच टाइम पे, लंच टाइम में। और लंच टाइम में हम लोग क्या करने वाले हैं, लंच टाइम में हम लोग करने वाले लंच। और जो लंच का जो हमने लिया है फ्रोजन फूड, वो फ्रोजन फूड क्या है मैं बताऊंगा, और वो लंच जो है मैं ही बनाने वाला हूँ। तो मैं क्या बनाने वाला हूँ आपको बताता हूँ। तो चलो मैं फटाफट से बनाता हूँ अभी लंच। और अभी बज रहे टोटल 2 अभी का जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 2 बज गए अभी, और 2 बजे हमारा जो है लंच हो रहा है। तो लंच में क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो चलो फटाफट से बनाता हूँ मैं जो लिया हूँ लंच। तो फ्रेंड्स अब हम आ गए लंच टाइम में, और लंच टाइम में जो है बनाने वाला हूँ मैं ये। तो ये है देखो, ये फ्रोजन फूड जो कि है वेज बर्गर, ITC मास्टर का है, वेज ITC मास्टर शेफ का वेज बर्गर है। और इसका जो है कुकिंग मेथड आपको बता देता हूँ, जरा देखिए यहाँ पर इसको एयर फ्रायर भी कर सकते हो आप, बेक भी कर सकते हो, शैलो फ्राई भी कर सकते हो, डीप फ्राई भी कर सकते हो। और इसका जो यहाँ पर है MRP, इसका MRP है 165। तो इसके अंदर टोटल 10 पीस आते हैं। तो हम लोग वेज बर्गर का ये पैटी है, अब हम लोग लंच में ये करने वाले हैं, इसको मैं फ्राई करके वेज बर्गर बनाऊंगा। तो बर्गर कैसे बनाना है वो भी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो सबसे पहले जो इसको फ्राई कर लेंगे, तो अभी जो है पहले वेज बर्गर के अंदर अभी ये खोल के दिखाएगा अच्छे से। अभी मैं खोल और यहाँ पर सबसे पहले गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिया, उसके बाद हुई इसमें थोड़ा कढ़ाई को गर्म कर देने का, और उसके बाद और ये जो हमने सुबह मतलब कुकिंग किया था 10 बजे का चीज़, और वो मस्त एकदम मस्त था। अभी ये ट्राई करते हैं कैसा रहेगा, और इसको लेकर करते हैं कट, और इसके अंदर मैं पैटी आपको दिखाता हूँ। ये तीसरा पैटी देख सकते हो आप। और इसके अंदर कुछ ऐसा है, कुछ कुछ मतलब इसके अंदर का फीलिंग, ये वेज बर्गर है
वेज बर्गर का पैटी है नंबर और यहाँ पर हमने निकाल लिया। तो इसका जो बर्गर पहले दो वो इसके अंदर डालूंगा मैं ऑयल। क्या दिखा रही तू? इसके अंदर का पैटी। हाँ तो इसके अंदर जो है हम डीप फ्राई करेंगे। तो इसके अंदर थोड़ा तेल डाल दिया, अब इसे गर्म होने दिए थोड़ा। तो गर्म हो गया कि नहीं वो कैसे चेक करने का मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि गर्म हो गया कि नहीं। तो देखो पहले छोटा सा मैंने डाल देगा, तो अभी आप देख सकते हो ज़्यादा गर्म नहीं हुआ है। जब ये ऊपर के खुद ऊपर आ जाएगा तल के तब पता चल जाएगा कि गर्म हो गया। तो इसी तरीके से बनाना है। और ये पैटी है, तूने ये किसका टुकड़ा तोड़ा? इसी का ही। कौन सा पैटी है दिखा? इधर ही था ये, मतलब मैंने ये नहीं किया मतलब। और इसके ऊपर मैं निकाल के रखूंगा पैटी जो ये फ्राई करूंगा। तो फ्राई कैसे करना वो भी मैं बता देता हूँ। वैसे पैटी लेना है, ज्यादा कुछ नहीं। अभी ये तो गर्म हो गया थोड़ा। हाँ अभी ये जो पैटी है देखो, अब इसको मैं इसे इसको डीप फ्राई कर देना है। ओह माय गॉड, इतना ऊपर मार रहा है तेल। इसको थोड़ा मीडियम फ्लेम पे या तो थोड़ा हाई फ्लेम पे। मीडियम फ्लेम पे क्या? फ्रोजन है ना, तो ऊपर बर्फ जमा है तो पानी रहता है, तो इसलिए उड़ी मार रहा है। हाँ बर्फ तो अभी इधर निकाल। इसको एक साइड से देखो हल्का ब्राउन हो गया है, अब इसी तरह दूसरे साइड से भी ब्राउन कर लूंगा मैं। इसके ऊपर कोई पिक्चर वगैरह आप ओवन में बेक भी कर सकते हो। क्या पिक्चर? इसके ऊपर पिक्चर नहीं दिखाया इसका पैटी का बन के कैसा होता है, जैसे वो मक्खन में था। दूसरे ने दिखा क्योंकि बहुत इसको अलग अलग तरीके से बनाते हैं ना, तो उसको बनाने का प्रोसेस अलग अलग रहता है। तो ये देखो ये फर्स्ट जो पैटी है उसका ऊपर का जो कोटिंग है निकल रही है। तो आज का जो है चैलेंज 24 आवर्स फ्रोजन फूड चैलेंज, आपको कैसा लग रहा है? हमारे वीडियो बने रहिए, कैसा लग रहा है मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। और अभी जो है इसमें जो पैटी है एकदम नरम हो चुका है और हल्का ब्राउन भी हो गया है, तो इसको जो है हम निकाल देंगे। ये तो कुछ ज़्यादा ना हो गया। अभी सर थोड़ा देर थोड़ा ऊपर से ज़्यादा ही हो गया क्या? अच्छा लाइट ब्राउन करना है शायद। नहीं अब देखो ये भी इसको भी ये भी इसको भी चटका लगा जोर से। तभी इसको भी इसी तरीके से जो है मैं इसको हल्का ब्राउन कर, इसको हल्का उतना वो जिससे किया उससे हल्का जो है अभी पलट क्या पलट अभी रुक थोड़ा हल्का ब्राउन उसके पीछे नहीं आ रहा ऐसा चाहिए। अभी खाने में कैसा रहेगा टेस्ट? टेस्ट तो दोस्तों जो है अभी हम लोग जो है पहले पूरा जो पैटी है इसको मैं पहले पूरा ब्राउन कर लेता हूँ, लाइक इसको अच्छे से फ्राई कर लेता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ डायरेक्ट बनाते हैं इसको जो असेंबल करेंगे जो बर्गर है उसको बन में बन के अंदर जब डालेंगे इस पैटी को तो हम आपको दिखाएंगे। तो अभी ये देख लीजिए, अब इसको जो है अलग तरीके से सुनहरे रंग हम सब पका लेते हैं बराबर। हाँ चलो तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो पैटी है वेज पैटी जो था वो पैटी जिसको मैंने फ्राई कर लिया है तो डीप फ्राई किया है। और यहाँ पर जो है ये देख सकते हो आप, यहाँ पर इसके अंदर क्या है मैं आपको बताऊँ, इसके अंदर है टमाटर कांदा पत्ता गोभी मेयोनीज सॉस चीज वो सब का इधर मैंने सलाद तो ऑलरेडी बना के ये चीज तो जो बर्गर है वो मैं थोड़ा डिफरेंट बना रहा हूँ। और यहाँ पर जो है मैंने चीज़ को थोड़ा ब्रेड कर दिया है, ब्रेडेड चीज़ है यहाँ पर। अब मैं बनाता हूँ यहाँ पर देखो बर्गर का बन, तो इसको देखो मैं कैसा भी ये बनाता हूँ डेकोरेट करता हूँ, कुछ ज़्यादा है नहीं वैसे एकदम सिंपल सा है। हाँ तो इसके ऊपर का मैं साइड में रखूँ और यहाँ पर पैटी और इसके अंदर से जो कुछ कुछ टोटल 10 पैटी देती है और कुछ कुछ जो है वो थोड़ा जैसे इधर उधर इधर उधर हो गया इधर उधर हो गया। तो अभी सबसे पहले इसके ऊपर मैं डालूंगा ये जो सलाद मैंने बनाया था ये देखिए, तो सबसे पहले इसको इसके अंदर चीज़ भी है मेयोनीज भी सब कुछ है सॉस हाँ सॉस भी सब है। अब इसके ऊपर एक सिंपल सा इस तरीके से जो फ्राई किया हुआ है उसको मैं इसे पैटी ऊपर से रख दूंगा। अब फिर से जो है इसके ऊपर डालूंगे इसी तरीके से बाकी वाले में भी तैयार। तो आज का जो हमारा लंच है वो यही करने वाले हैं, पैटी खाने वाले।
देखने से तो लग रहा है कि पेट तो भर जाएगा आराम से। आराम से दो बर्गर खा लेंगे, आराम से पेट भर जाएगा। तो इसके ऊपर भी नहीं था, तो इसके अंदर दिखा भी अच्छे से। तो इधर भी क्या है अभी, तो इसके अब जो है इसके ऊपर मैं डालूंगा ये, और फिर इसके बाद इसके ऊपर डालूंगा ये। तो टोटल जो हो जाएगा दो लेयर मैंने डाला, तो इसके नीचे भी एक डाला हूँ, इसके ऊपर भी, बीच में पैटी है। अब जो है सबसे लास्ट वाला जो स्टेप है ये दोनों बर्गर के, इसमें वो रहेगा चीज, और वो चीज़ जो है देखिए इसके ऊपर से ग्रेटेड चीज़ है वो डालेंगे भरपूर। तो इस तरीके से जो है वाव कितना बड़ा बन गया वो बर्गर। बस तो फ्रेंड्स ये जो है देख सकते हो आप हमारा लंच वाला जो बर्गर है, फ्रोजन फूड था उसमें, और वो बर्गर हमने रेडी कर लिया है अभी। मैं हम लोग जो है अभी यहाँ पर आप देख सकते हो ये बर्गर, ये देखिए इसके अंदर लेयर देखिए, ये है बर्गर। वाह 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 क्या दिख रहा है। अब जो है मैं इसे खा के बताऊंगा, फिर उसके बाद आयुषी टेस्ट करके बताएगी कि कैसा बना है बर्गर। और इसका जो साइज जो इतना बड़ा है ये देखिए। अब जो है एक बाइट लेते हैं, क्या लेते हैं बाइट। इतना बड़ा ही नहीं, इसको दबाना पड़ेगा। इसका इसने बाइट तो फ्रेंड्स वेज पैटी तो मेरे मुंह में थोड़ा है क्योंकि उसमें बर्गर ज्यादा आ गया। अब जो मैं इसको टेस्ट करके बताता हूँ कि वेज जो पैटी है वो कैसा था, कैसा है। क्रिस्पी तो एकदम बना है, बाकी मस्त है। वेज पैटी को लाइक मैकडॉनल्ड जैसा तो नहीं बोल सकता, पर अच्छा है, मुझे बेहतर लगा के बना के खा सकते हैं, मस्त भी है। तो घर पे बनाया हुआ मैकडॉनल्ड जैसा थोड़ी लगेगा कुछ भी। तो अभी आयुषी टेस्ट करके बताएगी कि आयुषी कैसा लगा ये, तो अभी तू बता। इसने इतना बड़ा, इसके मुंह के अंदर घुस रहा नहीं था वो बर्गर, मेरे मुंह के अंदर देखते कैसे जाएगा, कैसा जाएगा बर्गर, जाएगा कम से ठीक है। ओवरलोड और ये देखिए, और ये तो अभी कैसा लग रहा है तुझे, है ना एकदम जो क्रीमी भी आ रहा है, उसके जो मेयोनीज डाला हुआ है सलाद में क्रीमी वगैरह, सॉसी भी लग रही है, मस्त लग रहा है। पैटी का क्रिस्पीनेस भी आ रहा है, और पराठा पैटी, हाँ पैटी का वही बोलो पराठा। तो पैटी का जो एकदम क्रिस्पीनेस भी मस्त आ रहा है, मतलब एकदम गर्मा गर्म लग रहा है वो बर्गर। तो और इसके अंदर जो ये देख सकते हो आप ये हेल्दी है और इसके अंदर थोड़ा ऑयली है, तो आप समझ सकते हो। और आपको कितने लोग को बर्गर पसंद है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। तो जो मैं कुछ कुछ बना था तो मुझसे टूट भी गया था कुछ कुछ, तो यही है हमारा आज का, यही है हमारा आज का जो है लंच। तो आज का जो लंच था आपने देख लिया हमारा क्या है, बर्गर मॉर्निंग का था, मकेन्स था, और फिर अभी लंच में बर्गर है, चिली चीजी नगेट था, अब जो है वो बर्गर है। अब जो रहेगा रात में लाइक डिनर में, अब डिनर में क्या रहेगा वो तो आपको डिनर में ही पता चलेगा। तो हमारे साथ बने रहिए, और फटाफट से जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है तो जाकर फटाफट से लाइक कर लीजिए, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है। तो चलो अभी हम बढ़ेंगे, मतलब अभी हम मिलते हैं आपसे डायरेक्ट रात को, जो कि रहेगा डिनर टाइम में। तो चलो फटाफट से मिलते हैं आपको डिनर टाइम में।
अब हम लोग आ गए हैं अपने डिनर टाइम में। और डिनर क्या है मैं आपको बता देता हूँ। हम लोग ने सुबह से किया था ब्रेकफास्ट लंच, अब आ गया है टाइम डिनर का। तो डिनर में क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो डिनर में हमने फ्रोजन फूड में लिया है ये मकेन से, जो हमने सुबह में लिया था, पर ये स्माइली है मकेन से, ये स्माइली है। और जो दूसरा चीज है वो है ये मोमोज, ये है मोमोज। तो ये मोमोज का कितना प्राइस है मैं बताता हूँ आपको। तो जो मोमोज है वो मैं बनाने वाला हूँ और जो मकेन से वो ये बनाने वाली है आज के डिनर में। तो चलो फटाफट से करते हैं अपने जो डिनर का मेकिंग जो है बनाना, मोमोज बनाना, उसको फटाफट से करते हैं शुरू। तो पहले मैं बनाऊंगा मोमोज, उसके बाद ये बनाएगी मकेन। तो चलो फटाफट से बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट राउंड में। तो फ्रेंड्स अब हम आके अपने नेक्स्ट राउंड में, जो कि है बनाने का राउंड, कुकिंग राउंड। और कुकिंग राउंड में ये होने वाला कि जो मोमोज है मैं बनाऊंगा मकेन से। ये तो मोमोज को पहले देखिए इधर का, तो ये देखिए ये है मोमोज, पहले सुमा का है प्लस सुमा मोमोज। ये हमने चीजी स्पाइसी वेज चीज वाले मोमोज आज हम लोग सुबह से चीज क्यों खा रहे हैं। तो इसके अंदर देख सकते हो यहाँ पर 24 पीसेस है इसके अंदर, 24 पीस है और सॉस भी है। तो अभी इसे मैं खोलूंगा पता चलेगा कितने प्राइस का है। प्राइस कितना है? प्राइस किधर है? इधर है। तो यहाँ पर है ₹295 और अभी इसको खोलते हैं। फ्रीज हो गया ना एकदम। ये देखिए इतना बड़ा मोमोज, इसके जो सॉस है ये सॉस भी जम गया एकदम। इसको भी पिघलाना पड़ेगा शायद। तो सॉस को थोड़ा माइक्रोवेव दो दिया है ये तो, और भी इधर दिखा और है चार है शायद। ये इसका ओरिजिनल साइज है, ये कितना बड़ा बड़ा है। तो इस तरीके से इसके अंदर 24 पीसेस है, चार नहीं और भी है सॉस, चार है ना मतलब टोटल। हाँ तो देखिए ये चार सॉस मिला है इसके साथ, मस्त मस्त। और इधर दिखा इसको मैं पहले डाल देता हूँ हाथ में पकड़ के। हाँ तो इतना ये सब मोमोज है। अब इसको मैं करने वाला हूँ बॉइल। तो बॉइल कैसे करता हूँ आप बने रहिए, आपको दिखाता हूँ। ई तोड़ने पे लगा हुआ है, अभी टूट क्यों नहीं रहा है क्योंकि फ्रीज हो गया ये पूरा, इसको थोड़ा नरम। तो फ्रेंड्स अभी जो है इसको मैं अलग अलग कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ पूरा। इसको थोड़ा टाइम लगेगा तो अलग अलग करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है अभी आप देख सकते हो हमने अलग करने की मैंने ट्राई किया, तो इतना सा अलग हो गया। और ये जो है ये थोड़ा अलग नहीं हो पाया, हो गया हो गया। तो इसे थोड़ी देर रख लीजिए तो और हो गया, तो ये थोड़ा निकलने लग गया था। तो इसको हम ऐसे ही डाल देंगे उसमें। तो फ्रेंड्स तो अभी जो है यहाँ पर देख सकते हो मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है, और पानी को स्टार्ट कर देता हूँ। स्टीम भी कर सकते हो, पैन फ्राई भी कर सकते हो, डीप फ्राई भी। हमें फ्राई नहीं करना है, हम इसे बॉइल करके ही खाएंगे आज। तो मैं इसको फटाफट से आराम से और यहाँ पर जो इसके अंदर जब उबाल आ जाएगा ना थोड़ा एक दो तीन मिनट तक, तो उसके बाद हम इसके ऊपर रखेंगे। ये हमने लिया है ऐसे रखेंगे इसके ऊपर ताकि उसके अंदर से जो भाप उस पर लगे, और इसको हम रख के 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे। हाँ। बस यही होने वाला सिंपल था। और इसके साथ जो मिला ये आप मोमो सॉस है, ये आप देख सकते हो रसूमा की तरफ से मोमो सॉस। तो खाएंगे उसके बाद ट्राई करेंगे फिर आपको बताएंगे। और इसको जो है ये है तब तक हम लोग इसको कर लेते हैं ट्राई ना। हाँ तब तक इसको कर लेगी अभी आयुषी।
पहले इसको मैं पकाने को रख ही देता हूँ, थोड़ा कर ही लेता हूँ। तो ये मकेंस है, इसका भी आपको दिखा देता हूँ मैं। देखो ये है स्माइली मकेंस और इसका जो है प्राइस 120। और ये करने वाले ऐसे पकाइए, तो यहाँ पर जो है पानी उबल चुका है, उबल रहा है और इसके ऊपर जो है हम ये रख देंगे। और इसके ऊपर जो है अब ये मोमोज डाल के थोड़ा मैं मीडियम आंच से कर देता हूँ। और इसके ऊपर जो है ये मोमोज दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे और जा सकता है वैसे। नहीं बस अभी इसको जो है ढक देंगे, अभी इसी को मीडियम आंच से 3 मिनट तक पका लेंगे। तो पक जाएगा तो फिर मैं आपको बताता हूँ कैसा बना। तब तक हम लोग मकेंस कर लेते हैं। नहीं तू मकेंस के लिए रुकना पड़ेगा, पहले इसको पूरा कंप्लीट बन दे, उसके बाद फिर तू मकेंस बनाएगी। ठीक है बराबर। तो ठीक है चलो इसको पकने देते हैं। तो फ्रेंड्स अभी जो है 3 मिनट से ऊपर हो गए हैं और अभी यहाँ पर आप देख सकते हो मोमोज इस प्रकार से दिख रहा है। और इसको जो है अभी हम निकाल लेंगे, ये देखिए तो इसी प्रकार से जो जितना मोमो से हम मैं पूरा बना लेता हूँ, फिर मैं आपको सब दिखाता हूँ एक साथ है ना। तो उसके बाद बनाई गया इसी मकेंस। तो चलो अभी पूरा बना लेते हैं, उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी यहाँ पर आप देख सकते हो ये मोमोज सब रेडी हो गए हैं और एकदम गरम गरम है अभी यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये हमारा मोमोज हो गया है रेडी। अब आयुषी बनाने वाली है मकेंस। हाँ। बरबर इस मकेंस का नाम है स्माइली। हाँ। तो इसमें आपको बता दिए कितने रुपए का, 120 रुपए का है। हाँ। तो यहाँ पर आप एक बार फिर से देख लीजिए और यहाँ पर न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन है उसका। उसके अंदर प्रोटीन 2.97 ग्राम प्रोटीन है, प्रोटीन का मतलब प्रोटीन बाकी कुछ नहीं प्रोटीन। और इधर ये कैसे बनाते हैं उसका रेसिपी भी दिया है। तो ये जो प्रिपरेशन है मेथड ऑफ प्रिपरेशन आप देख सकते हैं क्या है उसका। तो क्या क्या है, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3। हां तो उसका जो भी स्टेप है, डीप फ्राई करना कितने मिनट तक उसको दिखा, 3 मिनट्स का ही रहता है। मैगी 2 मिनट्स करता होगा, 2 मिनट्स में नहीं पकता वैसे, 3 मिनट में पकता। चलो चलो करते हैं। गैस चालू पकने के लिए तो गैस चालू करना पड़ेगा। ओह माय गॉड किसी ने देखिए अब हम इसको मोमोज खाने के बाद फिर हम टेस्ट करके बताएंगे आपको। अब इसकी बॉइलिंग कम होगी। अब इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। तो गरम हो ही गया मुझे लग रहा है। चल ठीक है चालू कर दे कुछ करना। ज्यादा नहीं तो सुबह के जैसे कुछ ज्यादा जल्दी लाल हो गया था ना। हाँ। अब हम इसमें डालेंगे तेल। तो ऑयल डालने के बाद उसको तू गरम कर। हाँ, ये देखो बराबर तो उसको तू गरम कर ऑयल डालने के बाद। ये कुछ तो गरम हो रहा है। तो ये देखिए फ्रोजन फूड था, इसको हमने बना दिया एकदम गर्म गर्म फूड में। हॉट फूड मेरे हाथ के ऊपर देख लीजिए। हाँ ये देखो तो कैसे डाली तुमने। तो यहाँ पर है तेल, अभी इसको जो थोड़ा गर्म हो जाएगा ना तो उसके बाद आयुषी क्या करेगी ये उठा उठा जो डाली को आपको मैं दिखाते रहूंगा आगे। तो अभी तेल थोड़ा गर्म कर लीजिए। तो फ्रेंड्स अब बता दें गर्म हो चुका है। हाँ। अब हम इसे लगाएंगे मकेंस स्माइली। हाँ। मकेंस स्माइली यहाँ पर इसके अंदर आप देख सकते हैं ये अच्छे से ये चिपका नहीं जाता है। आप इसका स्माइल देख सकते हो कितना हंस रहा है, अभी तेल में जाके भी ऐसी हंसे हुए गरम होके भी ऐसे हंसना था इसमें भी फिर से ऐसे उड़ेगा तो एक साथ नहीं उड़ेगा नहीं उड़ेगा एक साथ डालती हूं एक साथ ऐसे मतलब धीरे धीरे डाल पांच डाल अभी
बर्फ रहता है ना थोड़ा पानी पिघलता है इसलिए डालते हैं। तो इसको जो है ना नॉर्मल सुनहरा ब्राउन कर देना है इस तरह, इधर है ना इस तरह। तो उस तरह इसको 2 से 3 मिनट तक इसको पका लेना है मीडियम फ्लेम पे। 3 मिनट तक? 3 मिनट तक नहीं, हाँ ठीक है। नहीं बाबा नहीं तो जल जाएगा। तो इसको नॉर्मल सुनहरा ब्राउन हम लोग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा ये जो मकेंस है हाँ। वो सुनहरा सा लाल हो चुका है। तो यहाँ पर ये जो मक्खन सब दिख रहे हैं देखो इस तरीके से नॉर्मल गोल्डन ब्राउन कर लेना है हाँ। और इसे हाई फ्लेम पे पकाना है, मैंने मीडियम फ्लेम पे बोल दिया था तो इसने हाई फ्लेम पे पकाई है 3 मिनट तक। 3 मिनट से 3 मिनट से थोड़ा कम है, कम था कि ज्यादा था आपको ब्राउन हो जाए तो फिर आप निकाल देना है। तो इसी तरीके से जो है ये पूरा मक्खन जो है इसी तरीके से अभी फ्राई कर लेंगे, फ्राई कर लेगी। तो अभी ये पूरा मक्खन जो है निकालेंगे कितना बचा है, तो इतना सारा है इसके अंदर इसके हाथ में भी। तो ये पूरा मक्खन फ्राई हो जाएगा तो फिर हम आपसे मिलते हैं डायरेक्ट अपने डिनर टाइम में। तो वो पक्का डिनर टाइम होगा, अभी तो ये हम लोगों ने डिनर बनाया, अभी हम लोग खाने वाले में मतलब मीन्स डिनर टाइम में मिलेंगे आपको, डायरेक्ट आपको टेस्ट करके बताएंगे। तो स्माइली तो ज़्यादातर लोगों ने खाया रहेगा, ये मोमोज किसी ने खाया, ये वाला मोमोज यहाँ पर आप देख सकते हो इसका रसुमा का। तो हमें कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपको कैसा टेस्ट लगा और हमें कैसा लगेगा हम आपको बताएंगे। तो चलो ये इसको अभी पूरा बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने अपने सारे मकेंस फ्राई कर लिए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है मकेंस और ये है मोमोस हाँ। तो यहाँ पर ये मोमोस हो गए, ये मकेंस हो गए हाँ। तो हमारा दोनों बन गया है, अभी हमारा जो डिनर है वो अभी हम करेंगे। लेकिन उससे पहले इस मोमोस के साथ चटनी मिला है वो तो खोल के दिखाना पड़ेगा ना हाँ। तो पहले हम उसको खोल लेते हैं हाँ। तो ये है बिना चटनी के मोमोस अधूरा अधूरा लगता है हाँ। देखिए ये है मोमोस सॉस, तो ये सॉस दिया गया है मोमोस के साथ। तो अभी ये कट कर रही है और इसके अंदर भी डालूंगी। तो ये तो एकदम टोमेटो सॉस जैसा भी दिख रहा है, पर इसका दिखने स्मेल में बिल्कुल तो नहीं है टोमेटो सॉस जैसा। स्मेल आ रहा है उसका, मेरे को तो नहीं आ रहा है। इसमें सिर्फ इतना ही निकला, तो यहाँ पर जो है 22 पीसेस है, यहाँ पर 24 पीसेस है। अभी टेस्ट करके बताती हूँ अभी डिनर कैसा है। तो मैं ये हमारा जो 24 आवर्स फ्रोजन फूड चैलेंज आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तो इसने एक उठा लिया, उसका जो है शेप थोड़ा इधर उधर हो गया है। चीज भी इसमें डाला स्पाइसी जूसी सब है उसमें। तो ये है इसके अंदर का, तो इसके ऊपर देखो मैं देखो क्या लिखा है, चीजी स्पाइसी वेज और एक साथ में और कुछ लिखा है, ये है थिन रैपिंग जूसी फीलिंग है इसके अंदर। तो उसका जो ऊपर का जो परत है वो एकदम पतला है परत और जूसी परत है, जूसी उसके अंदर का फीलिंग है चटनी के साथ। तो अभी ये चटनी है और अभी ट्राई करेगी तो और बताएगी। है कैसा है? अच्छा है। अच्छा है कि बहुत अच्छा है? ठीक है ओके। और मकेंस तो खाए हाँ, ठंडा होने देते गर्म हो, क्रिस्पीनेस भी है। और मैं आपको भी मकेंस जो मोमोज जो ट्राई करके बताइए कि हाँ। तो मैं भी आपको मोमोज और मकेंस दोनों ट्राई करके बताता हूँ। तुझे अभी बता, तुझे अच्छा मुझे बता, आज का जो 24 आवर्स फ्रोजन फूड चैलेंज था उसमें स्टार्ट टू एंड मतलब मींस ब्रेकफास्ट टू डिनर तुझे अभी तक क्या अच्छा लगा? सभी अच्छा लगा, मैं बोल नहीं सकते कि ये अच्छा है ये खराब है, सभी अच्छा लगा। ओके चल अभी मैं आपको बताता हूँ हाँ। तो अभी मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पर, यहाँ से मैं मोमोज लेता हूँ। तो ये देखिए थोड़ा इसके अंदर का फीलिंग, अब इसको जो है सॉस है, सॉस ना स्पाइसी है थोड़ा सा, स्पाइसी तो भी कम नहीं पड़ेगा। ये देखिए ठीक है अच्छा है हाँ।
आप लोग खा सकते हो। अच्छा है। और ये अभी ये मक्के मोमोज खाने का मन करे इंस्टेंट मोमोज आप घर पे ऐसे फटाफट से बना के खा सकते हो और इसको आप रख भी सकते हो, बेक भी कर सकते हो, फ्राई भी कर सकते हो। हाँ। और ये है मक्के और आज का जो स्टार्टिंग टू एंड था मुझे सब अच्छा लगा। फ्रोजन फूड में तो सब अच्छा लगा और आप मजा भी आया करने में। और आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब करे और जो हमारे इंस्टाग्राम फेसबुक पेज उसको भी फॉलो कर लीजिए। तो बस आपको हमारे इस मैसेज आपने क्या क्या पसंद है, आपको क्या क्या पसंद है और आपने ये समय से कौन कौन सा फूड खाया है वो भी बता देना। वो भी हमें कमेंट में जरूर कर देना कि ये सब भी आपने खाया है। तो चलो बस यहीं पर करते हैं वीडियो को समाप्त एंड और सब्सक्राइब करना। तो चलो दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।